तो है ना कितनी बढ़िया, बाजार जैसी लच्छेदार रबड़ी। लच्छेदार रबड़ी बनाने के लिए हमने 1 केजी गाय का दूध लिया है। आप चाहे तो भैंस का दूध भी ले सकते हैं। भैंस के दूध में थोड़ा सा इसका जो मलाई होता है वो ज़्यादा बनता है, तो हमने गाय का दूध लिया है, तो इसमें भी मलाई अच्छी खासी है। तो ये देखिए, हम इसे तेज़ फ्लेम पे इसे बॉईल करेंगे। और इसका जो सबसे खास बात है कि इसकी जो मलाई है, हम किसी चम्मच या कलछू की मदद से अब किनारे को इस प्रकार से लगाते रहेंगे इसके जितने भी मलाई हैं, ताकि ये हमारा बिल्कुल लच्छेदार बने। अब बारी बारी से इसको तेज़ फ्लेम पे इसी प्रकार से इसके सारे मलाई को हम बार बार इसे इस प्रकार से किनारे लगाते रहेंगे और इसे बराबर चलाते रहेंगे। आपको लग रहा होगा ना कि हमसे नहीं बन पाएगी, लेकिन आप इस प्रकार से ज़रूर ट्राई करें, आपकी रबड़ी बिल्कुल अच्छे से बनेगी, बिल्कुल बाज़ार वाली स्वाद। तो इसी प्रकार से सारे मलाई को हम इस प्रकार से इसके किनारे लगाते रहेंगे और ये आपस में चिपकते रहेंगे किनारे में। और ये इसके लिए हमने नॉनस्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, तो नॉनस्टिक में आप ये बहुत ही अच्छे से बनता है। इसमें ये किनारे वाला जो है जलता नहीं है, और नॉर्मल कढ़ाई में थोड़ा सा क्या है ना, हल्का सा रेडिश हो जाता है, थोड़ा जलने लगता है। तो ये देखिए, हमारा दूध फाइनली आधे से ज़्यादा सूख गया है और ये बिल्कुल गाढ़ा होके ये बनने के फॉर्म में आ गया है। तो इस प्रकार से हमने 1 केजी दूध को इस प्रकार से सुखाते सुखाते इसे अच्छे से इसे इस प्रकार का फॉर्म दिया है हमने। आप इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये ऐसे नॉर्मली इस कढ़ाई में सटता नहीं है, फिर भी आप चलाएंगे तो थोड़ा अच्छे से ये पक जाएगा। तो इसमें देखिए कितनी ढेर सारी मलाई आ गई है इसमें। तो आप इसी तरह से इसे चलाते रहें लगातार, और मलाई को किनारे भी लगाते रहें, और उसके बाद फाइनली हमारा जब ये गाढ़ा हो जाएगा तब तो हम इसकी सारी मलाई जो किनारे में हमने लगाया था उसे हम कुरच के इसे मिला देंगे इसमें, क्योंकि ये हमारा जो दूध फाइनली ये लगभग गाढ़ा हो चुका है। तो इसी प्रकार से अपने सारे लच्छेदार मलाई को इसे खुरच के इसके साथ ही मिला देंगे। ये देखिए, इसका कलर भी बिल्कुल रबड़ी जैसा आ गया है ना। ऐसे आप चाहे तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने घर में बनाया है तो फूड कलर इसमें क्यों डालें। तो घर का बिल्कुल फ्रेश और शुद्ध रबड़ी ये बनेगा। तो यहाँ पे अब हम इसमें चीनी ऐड कर लेते हैं। चीनी हमने लगभग 1 केजी दूध में 100 ग्राम से थोड़ी सी कम लगभग इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो चीनी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से, हालांकि रबड़ी में ज़्यादा मीठी पसंद नहीं आती है, तो आप 100 ग्राम से थोड़ी सी कम चीनी डालें इसमें, या लगभग 100 ग्राम के आसपास। तो ये देखिए, बिल्कुल लच्छेदार हमारा ये लगभग बन गया है हमारा रबड़ी। तो ये देखने से लग रहा है ना बिल्कुल बाजार जैसा। तो इसी प्रकार से आप चलाते रहेंगे थोड़ी सी, और हम इसी फॉर्म में लगभग हम बंद कर देंगे फ्लेम को, ताकि ये ठंडा होने के बाद ये सेपरेट हो सके। अब हमने इसे एक कटोरी में, आप चाहे तो किसी गोल शेप वाले बर्तन में भी इसे निकाल सकते हैं। ये देखो इसका टेक्सचर कितना ये लच्छेदार बना है, बिल्कुल रबड़ी वाली जो टेक्सचर होती है ना, बिल्कुल उसी फॉर्म में ये बना है। तो ये देखिए बिल्कुल, और जालीदार भी बना है। तो इसे हम लगभग 2 से 2.5 घंटे हम फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि रबड़ी जो है ठंडी खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसे डालने के बाद हम थोड़ी सी बादाम से इसे गार्निश कर देंगे। हालांकि ये ऑप्शनल है, इसमें रबड़ी में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस प्रकार के ड्राई फ्रूट डालें। तो 2 घंटे के बाद हमने फाइनली
फ्रिज से निकाला है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा ये बन के तैयार हुआ है। तो है ना बिल्कुल बाजार वाली रबड़ी की जैसे ये। तो मैं तो चला खाने से। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।